वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम हैं गोवा में समुद्र किनारे। आज हम हैं द्वारका बीच पे। यस, और ये हमारे सामने पीछे जो है द्वारकाधीश टेंपल है। ये आपको दिख रहा है द्वारकाधीश टेंपल। और टेंपल अभी खुला नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना बीच पे थोड़ा एंजॉय कर लिया जाए। तो चलो फिर हम आपको दिखाते हैं पूरा व्लॉग। जय द्वारकाधीश। एंड गाइस, ये है हमारा रूम और आप देख सकते हो इंक्लूडिंग एसी। और ये है पेट, ये सामने मिरर है, ये यहाँ पे इन्होंने टेबल दिया है जिस पे अभी हमने कचरा मचा रखा है। और दिस इज द वॉशरूम। अंदर शीशा भी है और शावर वगैरह काफ़ी क्लीन भी है। तो और इसका जो प्राइस है वो है 1100। और मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज द होटल, होटल कुबेर। और अभी मैं आपको और डिटेल्स इसकी दे दूंगा। हमें लिफ्ट में और जाने वाले हैं ऊपर। और गाइस, ये हम आ गए अपने होटल के छत पे। और इधर है समंदर, ये है। अभी हम आपको यहाँ से ऊपर चढ़ के व्यू दिखाते हैं। चलो ठीक है, पहले मैं चढ़ूंगा। हम आ गए हैं अपने होटल के रूफ टॉप पर और यहाँ से जो व्यू दिखता है वो एकदम अमेजिंग है। रुको मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ओ रहा समंदर दूर और मंदिर टेम्पल। और मेरा सामने आपको फ्लैग दिख रहा होगा द्वारकाधीश टेम्पल का। जो सामने आपको दिख रहा है ये है द्वारकाधीश टेम्पल। और ये इसके ऊपर बड़ा सा लहराता हुआ ये फ्लैग। और इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये है सुदामा सेतु, जहाँ पर अभी कुछ ही मिनटों में हम जाने वाले हैं देखने के लिए। और उसके साथ में ये बड़ा सा खुला समंदर। तो अभी हम आगे की तरफ बढ़ते आगे और द्वारकाधीश के लिए रास्ता यहाँ सामने से जाते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं दर्शन करने। दर्शन करने के बाद फिर हम आएंगे वापस कहाँ, सुदामा सेतु के लिए, और फिर जाएंगे पंचकुआ। ये है मार्केट छोटा सा, जहाँ से आप शॉपिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। और ये गुजराती चुन्नियाँ ड्रेस। और अभी चल रहा है अपन। द्वारकाधीश मंदिर शाम को 5 बजे ओपन होगा दर्शन के लिए। तो इतने मैंने और अमित ने सोचा कि हम सुदामा सेतु चलकर आते हैं और कहाँ जाना है, और पंचकुआ। हाँ, तो वहाँ पे भी जाते हैं क्योंकि वहाँ के बारे में काफी सुना है हमने। बाकी यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छे अच्छे हैं, मतलब चुन्नी, गुजराती चुन्नी डिशेस और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। भाई सुदामा सेतु तो है बंद 3 महीने के लिए, अभी अभी हमें ऐसा पता चला है। तो ये लोग जैसे जा रहे हैं ना, थोड़ा कम पानी है इस नदी में पानी अभी, तो हमें ऐसे पानी क्रॉस करके जाना है। तो चलते हैं पहले। तो अभी हम नदी पार करके आए हैं, पानी घुटने तक था, ज्यादा नहीं था, आगे हम पार करके। और अभी हम जा रहे हैं पंचकुएं का पानी पीने। कहते हैं कि ये पांचों कुएं जो वो पांडवों ने निर्मित किया था और उनके स्वभाव के अनुसार इनका पानी का टेस्ट भी अलग अलग है। और ये सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये आपको दिख रहा होगा लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो अभी हम चलते हैं और उसके बाद सुदामा सेतु पे हम नहीं जा पाए क्योंकि बंद है। और सुनने में कि 3 महीने के लिए आगे बंद भी होगा क्योंकि अभी कुछ काम शुरू होने वाला है। तो अभी इधर से करके फिर हम चलेंगे बीच पे और उसके बाद चलेंगे द्वारकाधीश टेम्पल में दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ फ़ोन वैसे भी अलाउड नहीं है तो हम अंदर की वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो तब तक हम इधर ही घूम लेते हैं जब तक मंदिर ओपन होएगा। चलो। तो ये है पंचकुएं और ये पांचों के पांचों, पर यहाँ पे अभी कोई पानी निकाल के पिलाने वाला नहीं है। तो बगल में ना महात्मा जी रहते हैं इधर लक्ष्मी नारायण टेम्पल में।
हाँ, तो वो सबको पानी पिलाते हैं, ऐसे सबको अलाउड नहीं है पानी निकाल के पीना। वैसे कुछ है बेटी जिसे आप निकालोगे तो भाई पानी निकाल के पिलाते हैं। तो हम अभी जा रहे हैं उनको आवाज देने, उनको बुलाने, फिर हम भी पियेंगे 5 कुएं का पानी। चल सकते हैं, पहले पानी पीते हैं ना। तो ये बेरीज है और इसको खाया जाता है और ये बहुत मीठा लग रहा है देखने में। खाया जाता है, अच्छा है। तो ये दुर्वासा ऋषि जी की समाधि है, यहीं पे इन्होंने समाधि लिया था। और ये जो वृक्ष है ये तभी से यहाँ पर है ऐसा माना जाता है, बहुत पुराना वृक्ष है। इसकी जड़ों आप देख सकते हैं कितनी मोटी, और ये पूरा फैला हुआ है और इसके ऊपर छोटी छोटी बेरीज लगी हुई हैं जो लोग तोड़ के खा रहे हैं, आप देख सकते हो ये। कुएं का पानी पीने के लिए तो अभी हम पियेंगे 5 कुएं का पानी और देखते हैं कैसा है टेस्ट। इसका तो नॉर्मल ही लगा मुझे। मुझे भी थोड़ा सा अलग लगा। और अभी हम जा रहे हैं तीसरे के पास। अरे ये भी हमसे देख तो वही चल रहे हैं। ये भी अलग ही एक्सपीरियंस है। कभी कभी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। ऋषि तपस्या करके 5 नदी का आह्वान किया है तब आया है नदी, उसे पीछे तपस्या है इस नदी के पीछे। हम आप मीठा पानी पी रहे हैं लेकिन जो पानी लाया है वो तपस्या। इस कुएं का पानी बिल्कुल मीठा लगा मेरे को। उनका नाम से हम आज पानी पी रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। इसमें भी ये भी अलग था सही में। तो पांचों कुओं में टेस्ट जो पानी का है मुझे जो आखिरी के हाँ ये आखिरी के दोनों थे इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पानी में, बाकी तीन में बहुत माइनर डिफरेंस है। और अभी मैंने मीठा खाया था तो मुझे इतना पता भी नहीं चला, लेकिन हाँ इन दो कुएं का पता चल गया कि अलग है टेस्ट पानी का। तो अभी हम लोग चल रहे हैं बीच की तरफ और फिर आपको दिखाएंगे बड़ा सा समंदर। समंदर की लहरें हमारे पास आती हुई और
समंदर, ये सामने समंदर पूरा। तो अभी ये समंदर में हम मस्ती कर रहे हैं खूब। पानी भाई बिल्कुल गर्म पानी है समंदर में, पता नहीं ठंडा होता है वैसे गर्म है। और ये सामने से नदी बहती आ रही है, नदी का पानी जो है नदी का पानी ठंडा है और समंदर का पानी गर्म है। और अभी हमने यहाँ पे मछलियों का छोटा छोटा झुंड देखा। और मैं आपको चीज दिखाता हूँ, ये देखो ये हमारे पैरों के नीचे केकड़े का झुंड घूम रहे हैं। देखो लड़ रहे हैं आपस में तीन तीन केकड़े, ये देखो ये एक दूसरे को पीट रहे हैं। आ रही अब हम यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा सनसेट एंजॉय करने वाले हैं। ये देखो वाओ। और अभी आने वाला है मजा, हम देखेंगे प्यारा प्यारा सनसेट। यस, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा। मतलब सनसेट तो वैसे भी हम देखते रहते हैं पहाड़ों पे, लेकिन ये जो है ये स्पेशल है क्योंकि हम समंदर में सनसेट देख रहे हैं। वाह। नाउ टाइम फॉर भुट्टा। और अभी अभी जस्ट हमने, मैंने और अमित ने नारियल पानी पिया था समुद्र किनारे बैठ के, है ना अमित? और ये अभी बिजी है, ओ बहुत बजे आए, इट वॉज टू मच फन। और अब हम जा रहे हैं भुट्टा खाने नारियल पानी पीने के बाद। Yes, और this is my favorite. अभी हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो रास्ता हमने आपको पहले दिखाया था उसी रास्ते से, क्योंकि उस टाइम मंदिर बंद था तो दर्शन नहीं हो पाए थे। अभी हम जा रहे हैं दर्शन करेंगे और फिर अंदर का एक्सपीरियंस आके आपके साथ शेयर करेंगे। द्वारकाधीश जाने का रास्ता सामने यहाँ से, तो पहले हमें यही लॉकर में अपना सामान फ़ोन वगैरह सब कुछ जमा कराना पड़ेगा और तब हम अंदर जा पाएंगे। तो अभी चलते हैं, लाइन में लगते हैं और सब कुछ जमा कराते हैं। तो अभी हमारे दर्शन हो गए और दर्शन अच्छे से हो गए, भीड़ थी थोड़ी अंदर। और जैसे हम पहुँचे वैसे आरती शुरू हो गई, तो हमें थोड़ा सा आरती भी देखने को मिल गया। अब दर्शन हो गए तो अब हम चलते हैं, थोड़ा मार्केट घूमेंगे और उसके बाद कुछ खाएंगे पियेंगे। और थोड़ा सा अलग सिस्टम है पानी पूरी खाने का, ऐसा सेल्फ सर्विस करना पड़ता है। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे गुजरात की फेमस ढोकले से। ये रबड़ी है, ये रसमलाई है, ये देखो ये लस्सी है, ये लस्सी है। और हमने अपने लिए क्या पैक करवाया, हमने अपने लिए रबड़ी लिया है। और ये अंकल बना रहे गरम गरम दूध। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।